नमस्कार दोस्तों, मैं संत सिंह सेठी, गोल्ड मेडलिस्ट इन न्यूमरोलॉजी एंड रेकी ग्रैंड मास्टर। स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम न्यूमरोलॉजी और रेकी के बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी एक ऑकल्ट वर्ल्ड की साइंस है, जिसे हम हिंदी में अंकशास्त्र भी कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना है एस्ट्रोलॉजी का, पामिस्ट्री का, टैरो कार्ड्स का, वैसे ही न्यूमरोलॉजी एक साइंस है जिसे हम गुप्त राज की साइंस भी कहते हैं। न्यूमरोलॉजी में नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 10, 9 तक। हर एक नंबर को एक प्लैनेट डिनोट किया गया है और इन्हीं प्लैनेट से, इन्हीं नंबर से आपकी लाइफ प्रिडिक्शंस करने में हेल्प होती है। न्यूमरोलॉजी एक पुरानी साइंस है, जो कि एस्ट्रोलॉजी जितनी पुरानी तो नहीं, पर उससे कम पुरानी ज़रूर है। न्यूमरोलॉजी में एक हम प्रिडिक्शंस करने का जो हम एक तरीका कह सकते हैं, या एक जैसे सिस्टम हम कह सकते हैं, वो शुरू होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ से। लाइकवाइज एस्ट्रोलॉजी में आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए, नाम चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए और एग्जैक्ट टाइम चाहिए, आपके टाइम ऑफ बर्थ जिसको हम कहते हैं वो चाहिए। न्यूमरोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शंस होती हैं आपके नाम से और आपकी डेट ऑफ बर्थ से। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसके प्रिडिक्शंस बहुत ही एग्जैक्ट होते हैं, जो कि आपकी लाइफ के लिए आपके एक गाइडेंस सोल बन के, एक गाइडेंस पाथ बन के, एक रास्ता जिसे हम कह सकते हैं, वो एक न्यूमरोलॉजी एक साइंस जो है ये हमें मदद करती है। इस साइंस का ये फ़ायदा होता है कि आपके आने वाले कोई भी फ्यूचर की जो प्रिडिक्शंस हैं, जो घटनाएं हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो पहले प्रिडिक्ट हो सकती हैं और प्रिडिक्ट भी हो जाती हैं। और इसके साथ साथ उसमें क्या से आपको बच के चलना है, कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं, कैसे आपको संभल के चलना है, क्या पाथ लेना है, कैसे प्लानिंग्स करनी है, जिससे आपके आने वाला फ्यूचर जो है वो स्मूथ हो जाए। स्मूथनेस कह लो, सेटिस्फेक्शन कह लो, सबको अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए। सो ये एक साइंस की मदद से आप जो है आप आगे बढ़ने में आपकी ये मदद करती है, साथ साथ आपको एक एग्जैक्ट रास्ता बताती है। क्योंकि आजकल लोग सिर्फ और सिर्फ भीड़ जो है दौड़ रही है, कहाँ भाग रहे हैं, बस भागना है, किसी को दिशा नहीं मालूम। जिसको दिशा नहीं पता वो बस घूम रहा है, किसी भी तरीके दिन काट रहे हैं। जिसे एस्ट्रोलॉजी की वजह से, न्यूमरोलॉजी की वजह से, पामिस्ट्री की वजह से या टैरो कार्ड की वजह से एक दिशा दिख जाए, एक दिशा मिल जाए, उससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। दिशा मिलने के बाद आपको काम करना है। आपको पता है कि मेरे नंबर्स, मेरी डेट ऑफ बर्थ इसलिए यहाँ तक लेके जा रही हैं, मैं इसलिए बना हूँ, मेरे अंदर एक यूनिक पावर है, मेरे अंदर एक यूनिक सुपर पावर है। हर किसी के अंदर एक सुपर पावर होती है, हमें बाहर बैटमैन सुपरमैन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद, हमारे अंदर इतनी सुपर पावर्स हैं, पर हमें उनका सिर्फ और सिर्फ जो है ज्ञान नहीं है। जिस दिन हमें वो ज्ञान हो जाए कि हम किस लिए बने हैं, हमें क्या यूनिक काम के लिए पैदा हुए हैं, हमें इस भगवान ने इस धरती पे किस लिए भेजा है, जिस दिन हमें वो पता चल जाए, बस उसके बाद तो फिर आपको पता है यू कैन डू वंडर्स। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, सलमान खान, जितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, हमारे पीएम, हमारे मिनिस्टर्स, ये सब एक जगह पे हैं। आप पीएम की जगह पे क्यों नहीं हैं? आप शाहरुख खान की जगह पे क्यों नहीं हैं? आप सचिन तेंदुलकर की जगह पे क्यों नहीं हैं? क्योंकि आप उस, क्या आपको पता है आप उसके लिए बने हैं या नहीं बने हैं? आप एक यूनिक काम के लिए बने हैं, वो यूनिक काम आपको ढूंढना है, आपको पता करना है कि मैं किस फील्ड में जो हूँ बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता हूँ। किसी को ड्राइंग अच्छी लगती है, स्कूल की बात करेंगे तो किसी के स्कूल में ड्राइंग में अच्छा होता था, किसी का सिंगिंग में अच्छा होता था, कोई स्पीच अच्छी देता था, कोई डिबेट अच्छी कर लेता था, कोई ऑर्गेनाइजिंग, कोई थिएटर, सब अलग अलग करते थे। जो बच्चा आर्ट में अच्छा था वो थिएटर में अच्छा नहीं था, जो थिएटर में अच्छा था वो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था। ये यूनिकनेस स्कूल में ही हमें पता चल जाती है। स्कूल के बाद धीरे 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 सिचुएशंस की वजह से, या भेड़ चाल जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से हमारा टैलेंट जो है धीरे 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 दबना शुरू हो जाता है और हम सिचुएशंस के साथ फ्लो में सिर्फ और सिर्फ बहते चले जाते हैं कि आज लाइन ये है, आज की लाइन ये है, आज लोग ये कर रहे हैं, आज ये ट्रेंड में है, आज लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम भी इंजीनियरिंग करेंगे। हर कोई इंजीनियर या अच्छा इंजीनियर नहीं बन रहा, कोई आज कोई अच्छा फोटोग्राफर, अच्छा फोटोग्राफर नहीं बन रहा। किसी को देखा दाखी में जो भी आप काम शुरू करोगे वो आप नहीं कर सकते, उसमें आप एग्जैक्टली जिसको हम कह सकते हैं कि आपने फील्ड नहीं चूज़ की है, कि आपका अपना दिल क्या कहता है, देखा दाखी नहीं,
कि आप वो अच्छा फोटोग्राफर है मैं भी बन सकता हूँ, वो इंजीनियर है मैं भी बन सकता हूँ, वो आर्टिस्ट अच्छा है मैं भी बन सकता हूँ। आपको अपना अपना यूनिक टैलेंट जो है वो पहचानना है, उसके बाद आप उस दिशा में जब जाएंगे तो उसके बाद आप वंडर्स ही वंडर्स जो है कर पाएंगे। आपकी सक्सेस 2 folds, 4 folds, 16 folds बढ़ सकती है, जिससे हम सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं कि वो सेटिस्फैक्शन का लेवल है जिसे आप अचीव कर सकते हैं। थैंक यू। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।